गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज भी मैं ही शुरुआत कर रहा हूँ इस व्लॉगिंग की और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:14 और ये रहा है ना पता नहीं कौन सा गोट है क्या है ये एनिमल। और अभी आज का डिन है संडे, तो संडे को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मैं अकेडमी में नहीं जाऊंगा और काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। सारे बेइज्जती अभी वो रही हमारी इस चैनल की मालकिन रितिकाज लाइव जो कि नर्व गन लेके बैठी हैं और शूट कर रही हैं आप सभी लोगों पे मेरी बैट। किचन अभी पूरी साफ नहीं है और अभी मैंने मैंगो शेक पिया है, मैंगो शेक का ग्लास गिरा था वो और मैंगो शेक में पंगा हो गया था। हम आपको दिखाने वाले थे पर लाइट चली गई थी जैसे हमने मैंगो शेक उसमें ग्राइंडर में डाला, मिक्सी में डाला, फिर मिक्स करने के लिए करा तो फिर लाइट ही चली गई, फिर चला नहीं जाया। फिर मैंने एक दिमाग लगाया बिकॉज आई एम 1000 IQ, तो मैंने इस वाले प्लग से कनेक्ट कर दिया जिसमें जो इन्वर्टर से चलता है, वो इन्वर्टर से नहीं चलता रसोई वाला। और ये यहाँ पर रही मेरी प्यारी प्यारी ट्रॉफी। तो कितनी ट्रॉफीज है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दक्ष त्यागी 4th grade की, यहाँ पे ब्रीटली अवार्ड जिमनास्टिक में ये रन था, यहाँ पे 100 से भी ज्यादा बंदे आए थे ये वाली ट्रॉफी। उसमें मैं 2nd position में आया था रनिंग में 5 किलोमीटर की रेस। ये रहा 3rd position एथलीट रनिंग में, ये भी फिस्ट वॉक का ही है। और देखते हैं शीरो ब्रॉडी क्या कर रहे हैं। शीरो और ब्रॉडी ओके तो ब्रॉडी का तो कुछ अलग ही सीन है, स्वैग लेवल खतरनाक स्वैग लेवल है ब्रॉडी का। मैं आपको दिखाता हूँ, आप डर सकते हो। एक ब्रॉडी ये देखो, से हेलो टू एवरीवन ब्रॉडी, कम ऑन वू, ये ब्रॉडी ये गुड बॉय। तो ब्रॉडी इज अ गुड बॉय, काफी ज्यादा खुश हो रखा है। तो बैठ, ये यहाँ पे कैसे चढ़ गया है, निंजा टेक्निक अब हम खेलने वाले हैं बैडमिंटन, क्योंकि आउटडोर गेम्स भी बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए और हमारे पास पार्क है तो हम उसमें बैडमिंटन खेलेंगे। और हम थोड़ा सस्ता काम कर लेते हैं क्योंकि इतने प्रोफेशनल नहीं है, तो हम यूज करने वाले रस्सी नेट के लिए, समझ सकते हो, के लिए। सो ये बीच में दक्ष फिक्स करेगा इसको और फिर एक बंदा यहाँ पर खड़ा होएगा और एक प्लेयर यहाँ पर, एंड देन वी आर गोइंग टू प्ले बैडमिंटन। सो आप सभी देखना कि हम कैसा बैडमिंटन खेलते हैं। पहले मेरा और दक्ष का होगा, फिर हम में से जो हारेगा वो आउट हो जाएगा, फिर वो मेरी बहन मानवी दीदी के साथ करेगा। तो चलिए देखते हैं कौन हम दोनों में से हारता है, वैसे तो यही हारने वाला है। ओके तो पिछली बार की तरह अपने हौसले अपने पास रखिए। गाइस नहीं, 2 बार हार चुके तो क्या हो गया, तीसरी बार हम जीत जाएंगे क्योंकि तीनों बार अलग अलग गेम खेले हम। हैट्रिक हो जाएगी, फिर से मैं हार गई, फिर से मैं मतलब पहली बार मैं जीत गई। तो फ्रेंड्स अब हम अपना गेम शुरू करने वाले और मेरे अंदर बहुत जोश है, मेरा जोश बहुत हाई है, तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट
ये देखो चीटिंग, इसका 10 है मेरा 9 है। जो कि ये रही, ये रहा हमारा अवार्ड इनाम। और ये पहले ही दक्ष ने अपने नाम कर लिया है जो कि सरासर चीटिंग है। और दीदी ने भी, दीदी भी नाम करना चाह रही है। और इसने पिए हैं 2 सिप, तो मैं पीऊंगी 3 सिप। ये पोंगी कह रही है, मैं पोंगी। सो मैं अंदर ही अंदर मानवी दीदी के साथ हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चोट आ गई है और मैं तो इसकी चोट खत्म नहीं कर पाई। सो मैं चाहती कोई और ही कर दे। ओवर एटीट्यूड दीदी का गोबर में गिरते हुए। नो फ्रेंड्स, देखो क्या हुआ। नहीं, बाउंड्री के बाहर नहीं था क्योंकि गोबर ने इसको बचा लिया है, क्योंकि गोबर बाउंड्री के अंदर। तो मुझे लग रहा है दक्ष की चोट हाथ में आते हुए। क्या ये आपने हर एक बात कर लिया, हमारा स्मैश ना चले। ये वैसे ही बताओ, गेम आपका है ना? ओ ये सो बिल्कुल ही हाथ में आ गई चोट दक्ष के, अब हाथ से गिरने वाली है नीचे। तो देखते गिरेगी या नहीं गिरेगी। सच्ची में मुझे तो लग रही है आधी गिरी हुई है और ये खुद भी गिरने वाला है, तो बस चोट तो गई। गाइस इसका हाथ शेक हो रहा है, चोड़ को हाथ में लगे, अब चोड़ दिमाग से हाथ में आ गया, अब नीचे गिरने में कितनी देर देखते हैं। ओ गिर गई, गिर गई, हमारे सामने गिर गया। ये कौन सा पेपर है जो रही होगा? प्लेयर रेडी होना चाहिए हमेशा वैसे तो, पर चलिए। और इस शॉट को हम स्लोमो में करेंगे, चलिए। ओ यार बहुत बुरी हार मिल रही है, इसने अपनी चोड़ को हाथ में रख के अपने दोबारा सिर में डाल लिया है, वो नीचे नहीं गिरी है। बहुत बुरी बेइज्जती हमारी, सोच सकते हो 2 बंदों की हार हुई है 1 बंदे के आगे। सो इस बंदे में असली में जान लगती है मुझे, कि नहीं बुरा फील नहीं करना चाहिए, अच्छा फील करना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। और कोई बात नहीं, हार गए अगली बार जीत जाएंगे। पिछली वीडियो में वैसे मैंने यही बोला था और उन वाली वीडियो में मैंने सेम बात बोली थी, बट कोई बात नहीं, अगली बार जीत जाएंगे। सो गाइज मैंने अभी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है थोड़ा सा, और मेरे कई दिनों से टीथ और गम्स में पेन हो रहा था। सो अब हम जा रहे डेंटिस्ट से मिलने और देखते हैं वो क्या करेंगी। सो गाइस बस हम पहुंच ही गए हैं ब्रेसेस की जो तार होती है वो दूसरी लगाई है। आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा वैसे तो। गाइस अभी पापा लेने गए हैं आइसक्रीम, क्योंकि हमें रास्ते के बीच में दिख गई थी आइसक्रीम का चूल्हा, पापा तो कई सारे दिखे थे तो मन कर जाता है यार खाने का। सो अब पापा लेने गए हैं और अभी मेरे हाथ से कैमरा गिर जाता, सो हमें इसको टाइट कर लेते। एंड अभी बस हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी देर है बस हमारी।
गाइस फाइनली 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और अब हम घर पहुंचने वाले हैं। अब मैं घर आ गई हूँ और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिया और मैंने खाना भी खा लिया है। और तो मैंने इसलिए घर आते व्लॉग नहीं बनाया था, मतलब शूट नहीं करा था, क्योंकि मेरे ऊपर शीरा और ब्रॉडी बहुत ज़्यादा कूद रहे थे और फिर मेरा फ़ोन गिर जाता है, इसलिए मैंने फ़ोन को थोड़ा साइड रख दिया था। और आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर देना, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते, मुझे सबका पता है। और कमेंट कर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।